अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सुहांजने के फूल, जो इनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसे बनाने के लिए हमने 1 किलो सुहांजने के फूल लिए हैं, 1 पाव हमने टमाटर काट के रख लिए हैं और 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के हमने प्याज काटे हैं और अदरक लहसुन का हमने पेस्ट रेडी किया है। 5 अदद हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। चिकन जो है वो हमने 1.25 किलो लिया है इसमें, और गार्निश के लिए हमने जो है धनिया और नींबू और अदरक जो है ना वो काट के रखे हुए हैं। सुहांजने के जो फूल थे इनको हमने सुबह सबसे पहले साफ़ किया है और उसके बाद 3 से 4 बार हमने इसको बॉईल किया गर्म पानी में, ताकि जो है ना इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए, और उसके बाद हमने जो है ना इसको खुश्क कर लिया। देसकी को चूल्हे पर चढ़ाने के बाद जो है ना हम चूल्हा ऑन करेंगे पहले, और इसमें 2 से 3 कप हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को 2 से 3 मिनट तक आपने गर्म कर लेना है, और उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर देंगे कि इसकी स्मेल वगैरह जो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। हाफ फ्राई करना है इसको। 5 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद देसकी से हम चिकन को निकाल के जो है ना किसी अलग बर्तन में ऐड कर लेंगे। अब उसी ऑयल में जो प्याज है हम ऐड करके हल्का ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें खड़े मसाले हम ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास 1 अदद बड़ी इलायची है, बादियाने के फूल हैं, 2 काली मिर्चें हैं, लौंग हैं और कड़ी पत्ता हमारे पास है, वो इसमें ऐड कर देंगे। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें वो ऐड कर देंगे। सारे मसाले इसमें ऐड करने के बाद आपने इसको हल्की फ्लेम पर भूनना है और अच्छी तरह मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम जो है ना मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला और ज़ीरा ऐड करने के बाद आपने मसाला जो है ना अच्छी तरह भून लेना है, और फिर इसमें हम जो फ्राई किया गया चिकन था वो अब इसे ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। चिकन हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, 5 से 10 मिनट इसको भुनाई करने के बाद चूल्हे से उतार लेंगे, और जो सुहांजना है हमारा उसकी बारी आ जाएगी। इसको हम देसकी में ऐड करेंगे। देसकी में सबसे पहले तो 1 कप ऑयल का ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए हम गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें सुहांजना जो है वो ऐड करके इसको अच्छी तरह भून लेंगे। 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच गर्म मसाला और 1 चम्मच जीरे का इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और भून लेंगे। 5 मिनट तक भुनाई करने के बाद इसमें 1 गिलास दूध का ऐड कर देंगे और 1 पाव दही लिया हमने वो इसमें ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। भूनने के बाद इसको हम जो है ना साइड पे रख लेंगे और अपना जो चिकन है उसके अंदर सुहांजने को फिर ऐड कर देंगे। एक ही देसकी में दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं, अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और आपने भून लेना है और दम पर लगा देना है इनको। इसमें अगर आप धनिया ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक इसको दम पे लगा के रख देना है और फिर आपका सुहांजना और चिकन जो है ना बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। इसको सर्व करेंगे, सैलड और दही के साथ भी आप खा सकते हैं, और इस रेसिपी को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और सर्दियों में एक बार ज़रूर खानी चाहिए, तो क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए मुफीद है, और जितने भी आपको हड्डियों का मसला है या पट्ठों का जोड़ों का मसला है वो सारा इसमें आप जो है ना हल हो जाएगा आपका। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की न्यू वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।